अखिल भारतीय गरिया महासभा के सुजातेबंधी सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं सबसे पहले लिखूंगा सत्यमेव जयते, दूसरा लिखूंगा सत्य प्रतारित हो सकता है परंतु परास्त नहीं, और हौसला बुलंद हो तो कामयाबी चरण चूमती है। जैसे आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे अखिल भारतीय गरिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती श्रीपाल जी ने अपनी समाज के बगासपुर में रहने वाले तीरथ श्रीपाल पर हुआ घोर अत्याचार के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए आज दिनांक 16 मई दिन गुरुवार को सुबह 8 बजे विजय अपनी पर्सनल आईडी से गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी की ईमेल आईडी पर बगासपुर की मारपीट की घटना की कार्रवाई न होने की जानकारी दी एवं एसपी आईजी कलेक्टर नरसिंहपुर को घटना की जानकारी देते हुए मांग की अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर 326-307 धारा नहीं लगाई तो अखिल भारतीय गरिया महासभा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। इसके बाद शासन प्रशासन एक्शन में आया और आरोपियों को गिरफ्तार कर धाराएं भी लगाई। मित्रों, एक तरफ माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्रीपाल जी के निर्देश अनुसार महासभा की टीम मेरे साथ एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए सुबह 11 बजे विजय नरसिंहपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें मेरे साथ हमारे 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री रज्जन श्रीपाल जी, श्री अनंत राम श्रीपाल जी, श्री लाल जी पहलवान जी, कोसा अध्यक्ष गणेश पहलवान जी, प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम पाल जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भूरा पहलवान जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष श्रीपाल जी, उपाध्यक्ष जितेंद्र पाल बंसल, ब्लड बैंक नरसिंहपुर, जिला अध्यक्ष सुंदर पाल जी, जबलपुर जिला अध्यक्ष रामजी पाल जी, जिला उपाध्यक्ष रमेश श्रीपाल जी, मुकेश श्रीपाल जी, महंत श्रीपाल जी, विपिन श्रीपाल जी, भगवती मानव कल्याण संगठन अध्यक्ष विलेश पाल जी, जिला प्रभारी चतुर श्रीपाल जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य दिनेश श्रीपाल जी, वरिष्ठ समाज सेवी दशरथ पहलवान जी, ब्लॉक अध्यक्ष दीप श्रीपाल जी, झेरीलाल श्रीपाल, युवा जिला प्रभारी सावन श्रीपाल, जिला कार्यकारिणी सदस्य अनिल श्रीपाल, प्यारेलाल श्रीपाल, ग्राम समिति अध्यक्ष सत्या श्रीपाल, रामकुमार श्रीपाल, डॉक्टर सुनील श्रीपाल, बाबूलाल श्रीपाल, कैलाश श्रीपाल, शंकर श्रीपाल, बल्लू श्रीपाल, पूर्व सरपंच शिव प्रसाद श्रीपाल, रमेश श्रीपाल, मान पहलवान कमलेश श्रीपाल, ब्लॉक अध्यक्ष सोनेलाल श्रीपाल, भूरा आकाश मुकेश श्रीपाल, बाबूलाल पाल, नब्बू श्रीपाल एवं चौराई कोषाध्यक्ष सहित सैकड़ों सुजाति बंधु उपस्थित रहे, जहां एसपी एडिशनल एसपी को विज्ञापन दिया जिससे तत्काल कार्रवाई की गई। मेरी सभी सुजाति बंधुओं से अपील है कि इसी तरह समाज के संकट में सब एक साथ सहयोग करें। आप सभी का शुभचिंतक साथी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राजेश श्री। बगासपुर गाँव से कुछ ग्रामीण आए हुए थे, ये बगासपुर गांव का मामला है थाना गोटे गांव के अंतर्गत, और इस संबंध में थाने के द्वारा विधि संगत धाराओं में अपराध दर्ज किया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 1 आरोपी की गिरफ्तारी शेष है, वो भी अतिशीघ्र कर ली गई। अखिल भारतीय गणीय समाज के लोग एकत्रित होकर आए और उनका कहना है कि धाराएं कम लगाई गई थी उस समय FIR की थी। अब जो प्रकरण की प्रकृति के अनुरूप हमने उपयुक्त धाराओं का समावेश किया है और उसको न्यायालय में हमने प्रस्तुत